गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये लैंसन और शैंग कर्मिया बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ और बोल रहे थे कि सबकी औकात दिखा देंगे हम, किसी की इतनी हिम्मत हो गई मेरे ओमेगा को हर्ट करने की, मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा। दोनों वहाँ पे शैंग कर्मिया बोलते हैं मुझे उससे सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लैंसन बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। तो मैडम यू वहाँ पे आती है और बोलती है तुम दोनों कर क्या रहे हो यहाँ पे। दोनों वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के वो दोनों ही मैडम यू की तरफ देखते और बोलते हैं कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा हम काम कर रहे थे। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं तुम यहाँ पे कब आए। दोनों वहाँ पे विंग लंसन बोलते हैं कुछ देर पहले ही। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है खाना खाओगे। तो लैंसन बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, आई रियली डोंट वॉन्ट ईट एनी थिंग, आई हैव टू गो, आई हैव सम वर्क। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग की तरफ विंग की रूम की तरफ देखता है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं एक बार देख के जाओ, अगर उठा होगा तो तुम उससे बात कर लेना। तो वहाँ पे लैंसन ना पिंक के रूम में जाता है और बोलता है बेबी टेडी बेयर बोबो तुम इतना रोए हो मेरी बाहों में, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतना बुरा लगा है तो मैं उसको कब का तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूँ मुझे समझने में गलती हो गई, मुझे नहीं लगा था कि वो इम्प्रॉपर वे में तुम्हें टच भी कर सकता है, वरना मैं तुम्हें कभी भी उसके पास नहीं जाने देता। आई एम सो सॉरी, आई एम सो 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 सॉरी, आई एम रियली फील सॉरी अबाउट इट, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत इंसान हो तुम मैंने देखा है और तुम मेरे ओमेगा हो, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट हो तुम, तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ से अलग नहीं करूँगा। तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जिसने तुम्हें रुलाया है उसे अभी रोना पड़ेगा। ऐसा बोल के फिंगर फोरहेड पर किस करके वो जाता है और वहाँ से बोलता है मैं आता हूँ सर। तो मैं में बोलता है अपना ध्यान रखना। तो लैंसन अपना सर हाँ में लगाता है और बोलता है आप उसका ध्यान रखिएगा, वो बहुत रोया है। तो वहाँ पे शैंग फैमिया बोलते हैं ठीक है मैं उसका ध्यान रखूँगा तुम जाओ। सब बोल के शैंग फैमिया लैंस बीन के कमरे में आते हैं और आने के बाद ना वो चुप हो गए थे, उनकी आँखों में एकदम रेड रेड हो गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। उन्हें पता है कि उनके लाइफ का जो खूबसूरत सा माहौल था वो ख़त्म हो गया, उनकी एक गलती उनके बच्चे की ज़िंदगी में इतना काला अंधेरा हाल आ गया। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करे, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा दुख ही यही है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए गलत इंसान को चुन लिया। वो अपने बेटे से इतना प्यार करते थे लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, उनके बेटे के लिए एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उनका वक्त उनका सारा चीज़ उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए ही उन्होंने सबसे बड़ा गलत डिसीशन ले लिया, जो मैं जैंग फैमिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन सारी चीज़ों में विंग को घसीटा जाए, विंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, तो इसीलिए उन्हें पता है कि उनका बेटा कैसा है, उनका बेटे का दिल कितना नरम है, लेकिन उनके बेटे के साथ जो हुआ उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को उन्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग रहा था। तो वहाँ पे ना
दूसरी तरफ से लैंसन जाता है और टेरन के पास। टेरन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम होते को तुम हो कौन? तो ना वहाँ पे लैंसन टेरन के पास जाता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अम्मी का कुछ छूने की? तूने इसी हाथ से मेरे अम्मी का कुछ छुआ था ना? तो ना वहाँ पे टेरन लैंसन को देख के बोलता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी ओमेगा को कब छुआ? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खैर ठीक है ना लान वांग जी? तो बोलते हैं, हाँ ठीक है, बहुत ठीक है। तुम्हें क्या पता कि कौन मेरा ओमेगा? मेरा ओमेगा जियांग वी भूषण, मेरा ओमेगा। मेरे ओमेगा को छूने की तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किन हाथों से मेरे ओमेगा को छुआ था तूने? दिखाना तो मैं देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट कि तू कैसे मेरे ओमेगा को छुआ था। तो ना वहाँ पे डेरन जब लैंसन को देखता ना, उसको इतना डर लग रहा था। लैंसन की आंखें इतनी ज़्यादा डार्क हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। तो ना डेरन बोलता है, मैंने उसे कहा छुआ, वो मेरा ही ओमेगा था। मेरी सगाई उससे होके रखी थी। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने उसे गलत तरीके से छुआ? वो मेरा ही है, तो मैं उसे छूने का पूरा रखता हूँ। तो ना लैंसन बोलता है, हाँ किस सपने में वो तेरा है? बहुत ही खूबसूरत सपना देख रहा है, लेकिन कभी पूरा नहीं होगा। जियांग भी ओशन सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर अगर किसी ने भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश भी की ना, मैं उसकी जान ले दूँगा। इतना आसान है क्या मेरे ओमेगा को मुझसे छीनना? मैं कभी भी किसी को भी ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो मेरे ओमेगा को मुझसे छीन दे। मैं तुम लोगों को जीते जी नरक दिखा दूँगा। क्या तुम्हें लगता है? मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करने वाले थे मेरे ओमेगा के साथ। हाँ मुझे सब पता है, तुम लोगों की सारी करतूती मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे ओमेगा को बेचना चाहते थे। हाँ इतनी हिम्मत हो गई, इतनी ताकत है तुम लोगों में कि मेरे ओमेगा को सेल करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे थे। इतना आसान नहीं है वी भूषण को छू लेना, पा लेना। उसके पीछे लैंसन उसे छूने की हिम्मत तूने तो कर ली, और तेरे हाथों के नाखूनों को, तेरी उंगलियों को मैं काटूंगा सबसे पहले, जिन उंगलियों ने मेरे बीन को छुआ था। तो लैंसन अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, तो उसका बॉडीगार्ड एक मतलब बोलता है ना, क्या बोलता है यार, मतलब नट बोल्ट ढीला करने के लिए एक होता है ना, वो लाता है, नील मतलब क्या कटर, हाँ वायर कटर लेके आता है और उसके हाथ में देता है। तो पहले लैंसन उस डेरन का नाखून उखाड़ता है और बोलता, दौड़ दौड़ रहा है होना चाहिए तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ओमेगा को छुआ। इतनी औकात है तेरी कि तू मेरे ओमेगा को छू सके? तुझे जीते जी नरक की हवा न खिलाई ना, तो मेरा नाम भी टिमलैन वांग जी नहीं। तेरी इतनी औकात नहीं कि मेरे ओमेगा को छुए। तूने किस हक से मेरे ओमेगा को छुआ? तुझे मैं जिंदा चला दूंगा। ऐसे बोल के टेरन को एक बार पंच मारता है और मारने के बाद बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ओमेगा को छू, उसे टच करने की तेरी औकात भी नहीं है, और तूने उसे टच किया। तो ना टेरन बोलता है, वांग जी छोड़ो मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और वीन भी ऐसा कर रहा है, और मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तो बोलते हैं,
यह सच जिंदा चाहेगा तभी तो उससे छोड़ पाएगा ना। तो वहाँ पे डरन लैंसन की आंखों में मतलब डर से उसको देखता है और बोलता है कि क्या मतलब क्या है तुम्हारा, ये क्या बकवास कर रहे हो लैंसन। दोनों बोलते हैं तुझे मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, तुझे लगता है तेरी इतनी औकात थी कि मेरे में का कुछ हुए तू। तो उन्हें डरन को बहुत मारता है और मारने के बाद ना वहाँ पे लैंसन रात के 3 बजे अपने घर जाता है और जाने के बाद अपने रूम में जाता है और वो फ्रेश होता है। होने के बाद फिर वो अपने रूम में सो जाता है, सो नहीं जाता, वो विंग को देख रहा था बहुत गहरी नज़रों से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे क्योंकि विंग अभी भी वो ना हिकअप लेके लेके वो रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग के साथ क्या गलत है, विंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो इतना दर्द में क्यों है। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देख मतलब लैंसन विंग की तरफ देखते देखते वो भी सोचा था। सुबह के 10 बज गए थे, विंग नहीं उठा था। जब चैंग चैन और यानली को पता चला तो वो दोनों तो पागल हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे हो गई उनके डेड मतलब बनी के साथ। फिर यानली भाग के विंग के पास गई थी, विंग तब सो रहा था, विंग के फॉरहेड पे किस करके बोलती है आई एम सॉरी बनी, जीजे को माफ़ कर दो। जीजे ने गलत समझ लिया, जीजे को लगा कि वो अल्फा तुम्हारे लिए सही है, इसीलिए जीजे ने तुम्हारे साथ कोई भी देखने का लर्ज नहीं उठाया। जीजे बहुत सॉरी है, जीजे के लिए तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जीजे ने तुम्हें अकेला छोड़ के गलती कर दी और उस डरन की तो मैं जान ले लूँगी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे भाई को छुए, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे भाई को छुए। सब बोल के वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। विंग का रूम मतलब साउंड प्रूफ था, विंग बाहर का कोई आवाज़ विंग के रूम में नहीं जा रहा था। तो यानली का ऐसा गुस्सा देख के चैंग फैमिया बोलते हैं शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर इतना गुस्सा करोगे तो विंग को कौन संभालेगा। तुम्हें पता है ना कि विंग कितना ज़्यादा ही टूट चुका है। तो ना यानली बोलते हैं लेकिन फादर उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे भाई को छुए, उसकी इतनी औकात नहीं है फादर। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ठिकाने लगा चुके हैं, तो ज़्यादा परेशान मत हो। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है आप कुछ कीजिए वरना मैं सब बर्बाद कर दूँगी। तो वहाँ पे डरन की फैमिली मदर और फादर भाग के आते और बोलते हैं मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया एक स्मार्ट देते और बोलते हैं क्या कब किस लिए। तो बोलता है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है, अचानक से वो कहाँ गायब हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा है, तुम लोगों को पता है। तो ना वहाँ पे जेंशन बोलता है अगर वो हमारे हाथे चढ़ गया ना तो उसकी जान तो गई, खुश करो वो हमारे हाथे नहीं चढ़ा, अगर हमारे हाथे चढ़ जाता तो उसके लिए मैं इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं मारता उसे जीते जी मार देता। दोनों वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं आपके बेटे ने जो मेरे बेटे के साथ मिसबिहेव किया है ना उसके लिए हम कभी माफ़ नहीं करेंगे उसे। तो ना वहाँ पे मिस्टर डेरन बोलते हैं मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, हमारी मदद करो चैंग फैमिया। तो बोलते हैं मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ, तुम देखो तुम्हारा बेटा यही कहीं होगा, किसी के साथ भाग गया होगा शायद। दोनों वहाँ पे मिस्टर डरन बोलते मेरा बेटा ऐसा नहीं है। दोनों वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते करे मरते मत तो खारो, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए ही डरन मिस्टर डरन। तो बोलते
मेरी बात समझने की। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मेरे बाकी